सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लीवर की बीमारी को ठीक करने वाली सिरप के बारे में जानेंगे, जो दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है। वे दवाइयाँ हैं सोर्बिटोल तथा ट्राइकोलिन सिट्रेट। और इस सिरप को आप में से जो काफ़ी दोस्त हैं इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम से जानते हैं, वह है सोर्बिलिन सिरप। जी हाँ दोस्तों, जो फ्रेंको इंडिया कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली सोर्बिलिन सिरप है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी का कॉम्बिनेशन ये है। और इसके बारे में ही पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि सोर्बिलिन के अलावा किस नाम से हमें मार्केट में मिल जाती है, क्या इसके यूज़ होते हैं, प्राइस क्या रहती है, जो कंपोजिशन है किस तरह से काम करता है, किन किन व्यक्तियों को ये सिरप नहीं दी जानी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या डोज इसकी दी जानी चाहिए, ये बातें और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको इस सिरप के बारे में मिल सके। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस सिरप में दो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि सोर्बिटोल तथा ट्राइकोलिन सिट्रेट है। सोर्बिटोल एक अल्कोहल सुगर है जो कि पौधों तथा फलों में पाया जाता है, और ये डाइयूरेटिक, लेक्जेटिव तथा कैथेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। साथ ही जो ट्राइकोलिन सिट्रेट है, ये कोलिन का ही एक डेरिवेटिव है, और ये खाने की वस्तुओं में तथा जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं इनमें मिलता है, और इसका जो मुख्य कार्य है मेटाबॉलिज्म में सहायता करना है। अगर इन दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट की स्ट्रेंथ की बात करें, कितनी मात्रा में मिलाए गए होते हैं, तो जो सोर्बिट्रेट सॉल्यूशन है 70% का, तो यह 7.15 ग्राम तथा जो ट्राइकोलिन सिट्रेट है ये 0.55 ग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाया गया है। तो ये जो स्ट्रेंथ है प्रति 10 ml सिरप की होती है। अगर बात करें यह जो सिरप है सोर्बिलिन सिरप के अलावा किन के नामों से मिल जाता है, क्या इसके पॉपुलर अदर ब्रांड नेम है, तो सबसे पॉपुलर है सोर्बिलिन के अलावा जो है जो सोर्बिलीव है, जो इप्का कंपनी द्वारा बनाई जाता है, और इसके अलावा टेरामिन, टेरासोर, हेप्टालिव, ये इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम, और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपको अपने एरिया में मिले। अगर प्राइस की और पैकेजिंग की बात करें, तो यह सिरप आपको 100 ml की पैकेजिंग तथा 200 ml की पैकेजिंग मिल जाती है, और जो 100 ml की सिरप है 70 रुपये से 80 रुपये की MRP में आपको मिलेगी, और साथ ही जो 200 ml की सिरप है ये 110 रुपये से लगाकर 140 रुपये की MRP मिलती है। और ये जो प्राइस है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है ब्रांड टू ब्रांड और टाइम के अकॉर्डिंग। अब वीडियो में आगे जान लेते हैं इस सिरप के क्या क्या यूजेस होते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था, लीवर रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, जो डिजीज होती है, उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को फैटी लीवर की समस्या है, फैटी लीवर एक स्थिति है जिसमें हमारे लीवर पर फैट जमा हो जाता है, वसा जमा हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होना, नोजिया वोमिटिंग आना, कमजोरी रहना, थकान रहना, ये समस्याएं होती है, इस स्थिति को ठीक करने के लिए यह सिरप दी जाती है। परंतु यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, यदि किसी व्यक्ति को अल्कोहल पीने के कारण, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन के कारण फैटी लीवर हुआ हो, तो उस समय सोर्बिलिन सिरप काम नहीं करती। यह सिरप उस समय ही काम करती जब बिना अल्कोहल के फैटी लीवर की समस्या हुई हो। इसके अलावा इस सिरप का प्रयोग ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन में भी किया जाता है। जब व्यक्ति को कब्ज हो जाती है, तो उस कब्ज को रोकने के लिए, जो मोशन है उसको लूज करने के लिए भी इस सिरप का प्रयोग लिया जाता है। और अगला जो यूज है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। मतलब यदि किसी व्यक्ति को खाना नहीं पचता हो या उसे भूख नहीं लगती हो, तो उस स्थिति में भी सोर्बिलिन जो सिरप है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और दोस्तों लीवर की, फैटी लीवर के अलावा कोई दूसरी कंडीशन जिसमें लीवर में सूजन आ गई हो, तब भी यह सिरप डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और हो सकता है जो मैंने यूज बताएं इसके अलावा किसी अन्य बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से इसका प्रयोग करें। अगर बात करें किन किन व्यक्तियों को ये सिरप नहीं दी जानी चाहिए, तो इसमें सबसे प्रमुख वह व्यक्ति है जिसको यूरिन पासेज में समस्या हो, मतलब उसको यूरिन आउटपुट नहीं हो पा रहा हो, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो, बहुत ज़्यादा उसको पेट दर्द हो रहा हो, अपेंडिक्स से रिलेटेड कोई उसको समस्या हो, या किसी बिना किसी कारण के भी उसका पेट दर्द हो रहा हो, या कोई व्यक्ति है जिसको सोर्बिटोल या ट्राइकोलिन सिट्रेट से पास्ट में एलर्जी रही हो, तो इन सभी पेशेंट को यह दवा नहीं दी जाती। साथ ही जो अपनी डिजीज हिस्ट्री है उसके बारे में अपने डॉक्टर को जोर से बताएं, जिससे कि आवश्यक दवा आपको दी जा सके और सही डोज आपको दी जा सके। अब बात करते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं।
सबसे प्रमुख जो साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति का जो बोवल मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा, उसे लूज मोशन तरह का लगने लग जाएगा, साथ ही उसको ड्राई माउथ, मुंह में सूखापन रहना, चेहरे पे सूजन आना, पेट में दर्द होना, नोजिया तथा वोमिटिंग की शिकायत होना, डिहाइड्रेशन होना, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो जाना तथा फ्लूइड लॉस होना, ये कुछ जो साइड इफेक्ट है मुख्य रूप से देखे गए हैं। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनवांटेड इफेक्ट मिले तो तुरंत इस सेव का प्रयोग बंद कर अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस दवा की क्या डोज रहती है, कितनी मात्रा में ये पेशेंट को दिया जाता है। अगर बात करें फैटी लीवर में एडल्ट को कितना दिया जाता है, तो एडल्ट को 10 ml सिरप दी जाएगी और इस सिरप को हमेशा दोपहर के खाने के पहले तथा रात के खाने के पहले लेने की सलाह दी जाती है। और अगर बच्चों में इस सिरप की डोज की बात करें तो 5 ml बच्चों में दिया जाता है। साथ ही अगर बात करें कॉन्स्टिपेशन के लिए तो उसे 10 ml से लगाकर 20 ml ब्रेकफास्ट के पहले लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही जब बच्चों में दी जाएगी तो 5 ml से लगाकर 10 ml वो भी ब्रेकफास्ट से पहले लेने की सलाह दी जाती है। जब इसको फैटी लीवर के लिए दी जाती है तो इसको थोड़ा लंबे समय तक प्रयोग लिया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में 5 से 7 दिन तक ही दिया जाता है। जब इस दवा की आप डोज ले रहे हो तो एक्यूरेट जितनी आपको डॉक्टर ने बताई उतनी ही लें, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को इसकी ज़्यादा डोज दे दी जाए तो व्यक्ति के शरीर में मछली की बदबू आएगी, साथ ही जो लार बनना है या पसीना आना है बहुत ज़्यादा हो सकता है, ब्लड प्रेशर व्यक्ति का लो हो सकता है, साथ ही हार्ट संबंधी कुछ समस्या हो सकती है। ये कुछ समस्या आपको ज़्यादा डोज लेने पर हो सकती है, इसलिए जितना डॉक्टर ने बताए उतनी ही मात्रा में लें। और इस सिरप का प्रयोग प्रेगनेंसी में कैटेगरी सी में रखा गया है तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता रखने पर दी जाती है, और साथ ही जो ब्रेस्टफीडिंग मदर है इन्हें दिया जा सकता है। जब इस सिरप को बच्चों को देते हैं तो एक विशेष बात ध्यान रखें, यदि किसी बच्चे की उम्र 2 वर्ष से छोटी है तो उसे सोर्बिलिन जो सिरप है नहीं दी जाएगी, कुछ समस्या कर सकती है। 2 वर्ष से बड़ी उम्र के बच्चे को ही ये दी जाती है। तो दोस्तों, ये सामान्य सी जानकारी सोर्बिलिन सिरप के बारे में मैंने बताई है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आया जो उसकी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन से जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सके। आप अपने दोस्त मोहित दादी साथ देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न फ्रॉम मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।